आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं? वो मुझे भी मजबूरन आना पड़ा। तुम्हें पता है कि इलेक्शन आ रहे हैं, हमारी पार्टी का लीडर है इसी होटल में ठहरा है। लेडी यहाँ पर लीडर? नहीं नहीं, एक बूढ़ा खुसट है। ये साकेत कौन सा गेम खेल रहा है? मुझसे झूठ क्यों बोला उसने? और वो लड़की कौन है जिसे अपनी वाइफ बताया है उसने? इसका मतलब कोई और लड़ी है साकेत की लाइफ में, और फिर भी वहाँ देविका के घर वालों को बेवकूफ बनाकर शादी कर रहा है देविका के साथ। और ये सब जानते हुए मैं देविका की जिंदगी बर्बाद होते हुए नहीं देख सकता। नो वे, मुझे देविका को साकेत के इस जाल से छुड़ाना ही होगा। इतनी मासूम और सच्ची लड़की है देविका। नहीं साकेत, तुम जैसे धोखेबाज को देविका से अलग करना मेरा फर्ज है, और वो मैं करके रहूंगा। मैं रोकूंगा तुम्हें। समझ लो साकेत, तुम्हारा खेल अब खत्म हो गया है। बहुत 30 मार खा समझते हो ना अपने आप को, लेकिन अब तेरा सारा कच्चा चिट्ठा खुलने वाला है। यू आर इन बिग ट्रबल मिस्टर एमएलए। बैठने का सारा इंतजाम ना इस तरफ करवा देना। जी जी बिल्कुल। और अरे वाह दादी, आपकी और मेरी चॉइस कितनी मिलती है। अरे पापा जी को मैंने यही कहा था कि वहां ज्यादा जगह मिल जाएगी। ओए खोतिया, वो जब खून एक है तो चॉइस एक जैसी क्यों नहीं होगी है? अच्छा सजावट करना, सारा क्या हाल तूने करवाना है। ठीक है, मैं कोई और काम निपटा लेती हूँ तब तक। विकास जी कहाँ खो गए, किस बात का इंतजार करो भाई, काम शुरू करवाओ। हाँ जी वो बिल्कुल, पर वो क्या है ना, एक्चुअली मैंने अपने वर्कर्स को कुछ दूसरा काम दे रखा है और वो भी बहुत जरूरी है, तो मैं यही सोच रहा था कि उनके वो काम खत्म होने तक मैं यहाँ पे थोड़ा उनका वेट कर लेता हूँ, या फिर अगर आप कहें तो मैं उनको बुला के सब फर्नीचर हटाने में आपकी मदद कर देता हूँ। लो जी, बस इतनी सी बात है भाई, मैं किस दिन काम आऊंगा? आखिर मेरी पैन की शादी है भाई, मैं कर देता हूँ, बताओ क्या करना है। नहीं जी आप क्यों करेंगे, मैं हूँ ना, मैं उनको अभी बुला के लाता हूँ जी। अरे विकास जी सुनिए, अरे कर लूंगा मैं। हाँ भाई इतने आओ, संजू पाजी थे, आजा। क्या हो भैया? भाई तेरे वास्ते ना बड़े इंटरेस्टिंग काम है, अगर तूने कर लिया ना तो तेरी काबिलियत साबित हो जाएगी बस। अच्छा क्या कोई मेरे लिए अपने हॉट चिक ढूंढी है क्या? ए खोते, ये शादी लड़की से कब बाहर निकलेगा तू है, जब देखो लड़की पटाने में लगा रहता है। भैया शादी के पहले आप भी ऐसे ही थे, ओके? कोई आपको अभी परमानेंट मिल गई तो आप अभी मुझे ज्ञान देंगे? ठीक है भाई, संजू पाजी लगे रहो, वो सब बाद में ना, पहले ना एक काम करिए, फर्नीचर हटवाने में मेरी हेल्प कर दे। नहीं 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 पापा, मेरे से नहीं होगा इतना हैवी काम, ये इतना हैवी काम करूंगा तो मैं तो कमजोर हो जाऊंगा। ठीक है भाई तेरी मर्जी। वैसे तनु कह रही थी कि मेहंदी में उसकी कुछ कुंवारी सहेलियां भी आने वाली हैं, अब तुझे उसमें कोई पसंद आ जाए, अभी किसी का नंबर शंबर चाहिए हो तो। बस इतना सा काम, ये तो मैं यूं कर दूंगा। बताओ क्या क्या कहां का फेंकवाना है, ये तो मेरे बाएं हाथ का खेल है। ओ ना 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 मोटू भाई, इतना फेंकवाना कुछ नहीं है, बस रखवाना है। तेरी एनर्जी बहुत कीमती भाई, इतनी वेस्ट नहीं करनी हमने। भैया मैं हूँ ना, मैं करता हूँ, अब बताओ क्या क्या कहां का फेंकवाना है। क्या हो गया? हेलो कौन? पहचानो? आवाज तो बहुत स्वीट है। क्या मैं तुम्हें जानता हूँ? हाँ, इनफैक्ट हम एक बार मिल भी चुके हैं। कौन हो सकती है? जो भी हो, किसी लड़की ने पहली बार कॉल किया है। संजय बेटा ऐसा मौका हाथ से जाने ना देना। आपका नाम? मेरा नाम संजय। ओह अच्छा अच्छा, तुम कहीं वही तो नहीं? हाँ मैं वही तो हूँ। ओ मेरी हॉटी, तुमने मुझे कॉल किया, मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा है तुमने मुझे कॉल किया, आज तो मैं बहुत खुश हूँ। नंबर लिया था, कॉल तो करना ही था। अच्छा सच बताओ, क्या मैं तुम्हें सच में हॉटी लगती हूँ? बाय गॉड की कसम। अरे मेरे बेबी, अब तुम्हें कैसे यकीन दिलाऊं? जब से तुम्हें देखा है मेरी आंखों की फ्रेम में बस तुम ही बसी हो, हर जगह तुम ही तुम दिखती हो। हाँ हाँ बाय गॉड की कसम। भैया बस आ रहा हूँ, भैया एक सेकंड, बस भैया आ रहा हूँ, एक मिनट में आया भैया। सॉरी बेबी, वो थोड़ा काम में फंसा हूँ, मैं तुमसे बाद में बात करता हूँ, ठीक है? तुम मेरा कॉल उठाना जरूर, ओके स्वीटी? ओके मेरे हैंडसम हीरो, बाय। यस, बस ऐसे ही फोन पर बातें होते रहे, और मेरी डबल ट्रिपल साइज और सिंगल पैक कोई माइंड ना करे, आखिर इसका कॉल आ ही गया। संजय बेटा तेरे तो अब निकल पड़ी। नहीं ये कुछ ज्यादा ही ब्राइट है, ये बहुत डर लगेगा, दूसरे ऑप्शन चेक करती हूँ। ऑलरेडी इतनी देर हो गई है,
कॉल लेट हुई तो दादी डांटेंगी। एक काम करती हूँ, इन्हीं कपड़ों में से कोई सेलेक्ट कर लेती हूँ, रैंडमली जिस पे भी हाथ रखूंगी वही पहन लूंगी। तुम रोज आते हो वॉक के लिए? रोज नहीं, कभी कभी आता हूँ। वैसे वॉक के लिए नहीं, टॉक के लिए आता हूँ। जब भी अपने आप से बात करने का मन होता है तो यहाँ चला आता हूँ। देखो कितनी शांति और कितना सुकून है यहाँ पर। हाँ वो तो है, लेकिन मैं पूछ सकती हूँ ऐसा कौन सा इम्पोर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाले थे आज तुम अपने आप से? वही तो सोच रहा था जब तुम दिखाई दी मुझे। मतलब मैंने तुम्हें डिस्ट्रैक्ट कर दिया? आई एम रियली सॉरी, मैं जाऊँ? नहीं नहीं, तुम मुझे डिस्ट्रैक्ट कर ही नहीं सकती। तुमसे बात करूं या अपने आप से बात करूं, एक ही तो बात है, सेम टू सेम। और वैसे भी मेरा दिल और देविका दोनों ही तो मेरे दोस्त हैं। क्या हुआ, ऐसे क्यों देख रहे हो? खो सा गया हूं, अब पता नहीं असर इस जगह का है, ठंडी हवाओं का है, या फिर तुम्हारे दुपट्टे का रंग का। मेरा दुपट्टा, इसमें क्या प्रॉब्लम है? अब प्रॉब्लम तो है, डिस्ट्रैक्ट जो करता है। और वैसे भी जब तुम इस रंग के दुपट्टे को लेती हो ना तो एकदम अलग दिखती हो, दुनिया से एकदम अनोखी। दुनिया की सारी खूबसूरती एक तरफ और तुम एक तरफ देविका। प्लीज रवि, अब ये कुछ ज्यादा हो रहा है। लो कर लो बात, सच्चे इंसान की तो कोई वैल्यू नहीं है इस दुनिया में। अरे सच सच ही होता ना, ज्यादा और कम क्या। ओके वहां देख रही हो तुम, जानती हो वहां पर अंधेरा क्यों है? क्यों? क्योंकि तुम्हारी खूबसूरती को देखकर रात को इतनी जलन हो रही है, किसने वहां पर जाकर अपना मुंह छुपा लिया है। वैसे मुझे अब समझ में आया कि लड़कियां तुमसे इतनी जल्दी इंप्रेस क्यों हो जाती हैं। तुम बात ही ऐसी करते हो जो हर लड़की को खुशी दे दे। अरे नहीं नहीं, मैंने आज तक कभी किसी लड़की की इतनी तारीफ नहीं की। तुम मानो या ना मानो, तुम पहली लड़की हो जिसे मैंने इतना कुछ कहा है। तुम्हारी बात अलग है, जब भी तुम इस रंग का दुपट्टा पहनती हो ना तो एकदम अलग दिखती हो, आउट ऑफ द वर्ल्ड। मेरे बारे में सोची थी, तुम ये पहनने वाली हो? ये कलर तुम पे अच्छा लगे। वैसे वैसे भी मेरे प्यार ने तुम्हारी खूबसूरती को और निखार दिया। तुम कल रात के बारे में सोच रही हो? पता नहीं मुझे क्या हो गया था, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। मुझे अपनी हरकत पर शर्म आ रही है। देविका, हम दोनों शादी के बंधन में बंधने जा रहे हैं। मैं नहीं चाहता कि हमारे मन में कोई मेल हो। मैंने जो किया वो ठीक नहीं किया, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। मैं बता नहीं सकता हूं कि मुझे अपने आप पे कितना गुस्सा आ रहा है। नहीं करना चाहिए था मुझे ऐसा। कोई बात नहीं, मैं जानती हूं कि कल रात को आप अपने होश में नहीं थे, शायद शराब की वजह से वो सब हो गया होगा। इट्स ओके। देविका तुम कितनी अच्छी हो, मैं तुम्हें बता नहीं सकता हूं कि मैं कितना खुश हूं। मैं कितना खुश हूं कि मुझे तुम जैसी जीवन साथी मिल जाएगी। देखो मैं आज के बाद इतना शराब नहीं पीऊंगा, वैसे भीड़ नहीं करूंगा तुम्हारे साथ। कहाँ पे? वहाँ चेयर के नीचे। रुको मैं देखता हूँ। जानबूझकर चिल्लाई है मुझे दूर हटाने के लिए। देविका, देविका दी तू तैयार हुई कि नहीं? एक्सक्यूज मी, आपको आपकी माँ ने नहीं बताया कि शादी से पहले इस तरह से दुल्हन से अकेले मिलना अलाउड नहीं है? ऐसे फिर भी अगर आपको यहाँ रहना है तो मैं दादी को बोल देती हूँ।
वही आके आपसे बात करेगी। तुम वाकई में तुम दुनिया के सबसे खतरनाक साले हो, कहीं भी टपक पड़ती हो तुम। फिलहाल तो आप यहाँ टपके हैं, और हाँ मुझसे ज्यादा तो मेरे जीजू खतरनाक है। आपका वो तो सर्टिफिकेट पे लिख के दूं? तो ठीक तो है, क्या हो रहा था यहाँ पे, इतनी टेंशन में क्यों दिख रही है? मैं नहीं तो पागल है क्या? चल तू मुझे चेंज करवा दे। ये देख, मैंने ये सिलेक्ट किया।